तो गाइस आज हम जाने वाले हैं कोरल आइलैंड, और उसके लिए हम ये बीच पे आ चुके हैं, पताया बीच पे। और यहाँ से हम जाएंगे कोरल आइलैंड स्पीड बोट के थ्रू। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये सारी स्पीड बोट हैं, आप इनके थ्रू भी जा सकते हैं और फेरी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हमारे पैकेज में ये स्पीड बोट है तो हम इसके थ्रू जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये है हमारी गाइड जो हमें गाइड कर रही है ट्रिप के बारे में। यहाँ से अगर आप स्पीड बोट के थ्रू जाते हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पीड बोट जो है वो कम टाइम लगाएगी आपको कोरल आइलैंड पहुँचने के लिए। और अगर आप थोड़ा पैसे बचाना चाहते हैं तो आप फेरी बुक कर सकते हैं। फेरी जो है टाइम टू टाइम चलती हैं और आपको उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा कोरल आइलैंड पहुँचने के लिए। तो ये आप दो ऑप्शन हैं आपके लिए, आप इनके थ्रू जा सकते हैं आइलैंड के लिए। अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हम अपनी स्पीड बोट पे एंटर कर रहे हैं, उस पर चढ़ रहे हैं। तो ये पूरी लोड हो जाएगी, सारे पैसेंजर जो हैं सारे मेक माई ट्रिप की तरफ से, हमारा भी पैकेज मेक माई ट्रिप की तरफ से था। तो चलिए बोट पे चलते हैं। स्पीड बोट पे चढ़ने के बाद हमें लाइफ जैकेट दी गई जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी स्पीड बोट की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसका आनंद लीजिए। हमने इस राइड को बहुत ही बहुत एंजॉय किया, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। भाई जो अपनी राइड चल रही थी कतई जहर, मतलब एकदम एंजॉय चल रहा था। तो मतलब जो नज़ारे हम देख रहे हैं वो हम चाहते हैं कि आपको भी दिखाएं, तो चलिए आपके लिए दिखा रहे हैं ये नज़ारे, तो इनको आप एंजॉय कीजिए। कोरल आइलैंड से पहले एक इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए एक सेंटर पॉइंट बनाया है, तो वहाँ पे हम रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे जो वाटर राइड्स हैं और एक्टिविटी हैं वो होंगी यहाँ पे। तो चलिए पहुंच चुके हैं अपने एक्टिविटी एरिया स्पॉट के ऊपर, जहां की वाटर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो ये पूरा जो है समुद्र के बीच में बना हुआ है सारा एरिया, तो यहां से ये पैरासेलिंग जो है आपकी वो करवाते हैं, और किसी ने अगर वो सी डाइविंग कुछ ऐसा करना है तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहां से करवाई जाती हैं। तो हम यहां पे आ गए हैं, तो यहां पे देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पे लाइन जो आप देख रहे हैं ये लाइन लगी है पैरासेलिंग के लिए।
तो अभी हम फिर से चल पड़े हैं अपने कोरल आइलैंड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गलती करी है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि वो आप गलती कभी भी स्पीड बोट पर जाएं तो उस गलती को ना दोहराएं। हम पहले स्पीड बोट के जो बैक साइड एरिया है वहाँ पे बैठे थे, बट ये वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद हम स्पीड बोट के, मैं और मेरा फ्रेंड, हम इसके जो नोज़ एरिया, फ्रंट एरिया है वहाँ पे बैठ गए। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, तो यहाँ पे और कोई नहीं, सिर्फ हम ही हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इनके गाइड हैं वो भी आपको बताते हैं कि जो एज्ड पर्सन हैं, बच्चे हैं, वो आगे नहीं बैठ सकते, अलाउड नहीं है, क्योंकि स्पीड बोट जो है वो काफ़ी तेज़ चलती है, और जो सी के अंदर जैसे वेव्स आते हैं तो वेव्स के ऊपर काफ़ी ज़ोर से इसके जंप लगते हैं, तो आपका जो बैक है यहाँ पे पूरा, मतलब झटके लग सकते हैं, क्योंकि पूरी बोट ये उछलती है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ नहीं चलेगी, ये सिर्फ जंप करेगी वेव्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी अभी कंडीशन कैसी है। तो इसलिए जब कभी भी स्पीड बोट पे ट्रैवल करें तो प्लीज़ पीछे ही बैठें, आगे मत बैठें। आप देख ही सकते हैं कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी क्या हालात हैं हमारे। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने कोरल आइलैंड पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, आप देख सकते हैं कि आसपास के नज़ारे कितने ब्यूटीफुल हैं, और क्रिस्टल क्लियर वाटर जो दिख रहा है, और आसपास की जो ग्रीनरी है एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। राइड के बाद हम बहुत थक चुके थे, इसलिए सबसे पहले हमने जाके रेस्ट की बीच पे, और उसके बाद हम निकले घूमने के लिए। तो ये है कोरल आइलैंड की मार्केट, यहाँ पे आपको खाने के लिए हर एक चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक, कोकोनट वाटर, और आपको सी फूड जो है वो आपको खाने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप अपना इंडियन फूड खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं या सी फूड नहीं खाते हैं। आइलैंड पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम फिर वापस चल पड़े पताया की तरफ अपनी स्पीड बोट में।